लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट। भाई ये डिस्काउंट इवेंट ना एक बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट इवेंट है, जहाँ पर हम लोगों को हमारे लक के हिसाब से बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। और वैसे यार एक लकी व्हील इवेंट हमारे गेम के अंदर जनवरी मंथ की स्टार्टिंग में आया था, और अभी फाइनली यार फिर से एक लकी व्हील इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गाइस, मैं जानता हूँ अभी आप लोगों को अपकमिंग लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग बस आज का वीडियो देखो। आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जान दे देंगे इसके लिए? अरे नहीं नहीं भाई, जान देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस ये वीडियो को देखो। आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईयर वॉल्ट इवेंट के बारे में बताऊंगा। हाँ यार, गरीना ने हमारे गेम के अंदर आने वाले ईवो वॉल्ट इवेंट को चेंज कर दिया है, और अभी एक नया पोस्टर हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ईवो गन इस बार के ईवो वॉल्ट इवेंट के अंदर आएगा। देन फिर तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन रिवॉर्ड्स के बारे में। हाँ यार, कल 1 फरवरी के दिन हमारे गेम के अंदर नया सीएस रैंक सीजन आएगा, तो बेसिकली आज का हमारा टुनाइट अपडेट भी है, इसलिए गाइस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन के सारे फ्री रिवॉर्ड दिखाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो? अरे भाई बस मजा नहीं, आज के वीडियो में बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यार इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आज तो मैंने आप लोगों के बहुत ही सारे कमेंट्स को भी पिक कर रखे हैं। बाकी खैर तो यार अभी हम लोग बातों में ज्यादा टाइम ना पेश करते हुए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में पोस्टर को ध्यान से देखो, ये है गाइस हमारे पहले टुनाइट अपडेट का पोस्टर। और यार इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे गेम के अंदर कल 1 जनवरी के दिन जो नया भूया पास आने वाला है, उसमें हम लोगों को कुछ स्पेशल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस, देखो सबसे पहला चेंज है कि अगर आप लोग भूया पास का प्रीमियम खरीदोगे तो आप लोगों को 4 एक्स्ट्रा इमोट स्लॉट मिलेंगे। साथ ही साथ यार इस बार जो भूया पास का लेवल है उसे भी 150 से घटा के 100 का कर दिया है, तो अब भाई आप लोग बहुत इजीली सारे रिवॉर्ड्स को भी क्लेम कर पाओगे। देन तो गाइस देखो, इस बार हम लोगों को जो थर्ड चेंज भूया पास के अंदर देखने को मिलेगा वो ये रहेगा कि गाइस अब आप लोगों को भूया पास के बंडल को अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ से यार हमारे गेम के अंदर जितने भी भूया पास आएंगे उन सभी भूया पास में हम लोगों को एक प्लेन बंडल मिलेगा, जिसे ऊपर से अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। राइट गाइस, देखो अभी मैंने आप लोगों को भूया पास के तीनों ही चेंजेस के बारे में बता दिए, उम्मीद है आप लोगों को ये चेंजेस समझ में आ गए होंगे। बाकी अभी यार मैं आप लोगों को बताऊं तो नेक्स्ट मंथ के भूया पास में हम लोगों को प्राइस भी लो देखने को मिलेगा। हाँ यार, अब हमारे गेम के अंदर भूया पास बस 399 डायमंड में मिल जाएगा, और यार ये बस हमारे इंडिया सर्वर के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश सर्वर के लिए भी है। सेम प्राइस रहेगा यार, बांग्लादेश सर्वर में भी 399 डायमंड में भूया पास मिलेगा। जी हाँ, तो गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट मंथ के भूया पास के चेंजेस के बारे में बता दिए, और एक तरीके से यार ये हमारा टुनाइट अपडेट ही है। बाकी अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे टुनाइट अपडेट की। जी हाँ गाइस, हमारे गेम के अंदर 1 तारीख के दिन सीएस रैंक का नया सीजन आने वाला है, और यार हमारे गेम के अंदर कल ये नया सीएस रैंक सीजन वही कुछ दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में आएगा, और इस बार यार 1 तारीख के दिन हमारे फ्री फायर के ही सारे सर्वर के अंदर रैंक सीजन चेंज होने वाला है। तो भाई बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडिया कोई सा भी सर्वर हो, सभी में कल हम लोगों को नया सीएस रैंक सीजन 23 देखने को मिलेगा। बाकी अभी गाइस अगर हम लोग ये सीएस रैंक सीजन 23 के फ्री रिवॉर्ड्स की बात करें, तो देखो यार इस बार के सीएस रैंक सीजन 23 के अंदर से हम लोगों को बहुत ही कमाल के फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जिन फ्री रिवॉर्ड्स का रिव्यू आप लोग अभी स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यहां पर जितने भी ये सारे आइटम है, यही सारे आइटम हम लोगों को नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन के अंदर से फ्री मिलेंगे। हाँ भाई देखो, यहां पर सबसे पहले तो एक मेल का अपर है जो कि ब्लैक एंड रेड कलर का है, ऊपर की तरफ से ब्लैक शेड है, नीचे की तरफ से रेड शेड, और बीच में यहाँ पर एक हेरोइक का सिंबल है जो कि यार इस टी शर्ट को बहुत ही ज्यादा मस्त बना रहा है। बाकी मैं गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक मेल का टी शर्ट है, इसको हम लोग फीमेल कैरेक्टर में यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी तो यार जो भी हो, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। देन फिलहाल तो गाइस देखो, यहाँ पर एक MP40 की भी स्किन अवेलेबल है, और अगर ये हम लोग MP40 की बात करें तो भाई लुक वाइज तो ये MP40 सही लग रही है। हाँ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। मगर यार अभी अगर हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यार यहाँ पर सिंगल मूवमेंट स्पीड और सिंगल एक्यूरेसी तो प्लस में है, बट गरीना ने यहाँ पर रिलोड स्पीड को माइनस कर दिया है। अब मेरे तो गाइस समझ में नहीं आया गरीना ने इसके एट्रीब्यूट्स को ऐसा क्यों बना रखा है। अब आप लोग खुद ही सोचो, रिलोड स्पीड को ही माइनस कर दिया और बढ़ाया गया है मूवमेंट स्पीड, जिससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। एक्यूरेसी थोड़ी सी प्लस पॉइंट देगी, बट रिलोड स्पीड यार माइनस कर दी, तो इसलिए मुझे ये MP40 की स्किन ज्यादा खास पसंद नहीं आई। बाकी फ्री में मिल रही है तो इसकी बुराई भी नहीं करूंगा, इसलिए गाइस ये MP40 का रिव्यू आप लोग पे छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको MP40 का स्किन कैसा लगा। देन फिलहाल गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में पैन का स्किन देखो, भाई ये पैन का स्किन फिर भी बढ़िया है। हालांकि ये लेजेंडरी नहीं है, बट लुक वाइज ये पैन का स्किन काफी सही लग रहा है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को भी ये पैन का स्किन पसंद आया होगा। बाकी अभी तो गाइस आप लोग यहाँ पर अवेलेबल ये अवतार और बैनर
देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो यार यहाँ पर टोटल 4 अवतार बैनर हैं, जिसमें से 2 अवतार हैं और 2 बैनर हैं। और गाइस अवतार बैनर तो ऐसे ही होते हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गाइस अभी आप लोग ये पैराशूट का स्किन देखो भाई, ये पैराशूट का स्किन भी हम लोगों को नेक्स्ट ईयर रैंक सीजन 23 के अंदर से मिलने वाला है। हां ये भी हमको फ्री में ही मिलेगा। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये पैराशूट का स्किन पसंद आया होगा भाई, फ्री की चीज है, जरूरी पसंद आई होगी। सो ऑलराइट गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को नेक्स्ट ईयर रैंक सीजन रिवॉर्ड्स दिखा दिए हैं, उम्मीद है आप लोगों को रिवॉर्ड्स पसंद आए होंगे। मगर अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और सीएस रैंक सीजन रिवॉर्ड्स के बारे में बताता हूँ। हाँ तो भाई अभी आप लोग स्क्रीन में इस पोस्टर को ध्यान से देखो यार, ये पोस्टर मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला। एंड इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 2 तारीख के दिन न्यू सीएस रैंक सीजन बिगिंस वाला एक इवेंट आने वाला है। हाँ यार ये इवेंट हमारे गेम के अंदर 2 तारीख को आएगा, बल्कि सीएस रैंक सीजन तो कल 1 तारीख से ही आ जाने वाला है। एंड अभी यार हम लोग ये इवेंट की बात करें तो ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 2 तारीख को आएगा और 5 तारीख तक हमारे गेम के अंदर रहेगा। बाकी फिर तो गाइस इस इवेंट के अंदर से हम लोगों को एक वॉइस पैक मिलने वाला है, साथ ही साथ एक फेस प्रिंट भी मिलेगा। और वैसे अभी आप लोग स्क्रीन में फेस प्रिंट का रिव्यू देख ही पा रहे होंगे भाई, ये फेस प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है बट ठीक ठाक है एंड फ्री में मिल रहा है तो बढ़िया ही है। हाँ तो गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को पूरे A to Z सीएस रैंक सीजन के सारे फ्री रिवॉर्ड्स दिखा दिए हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। बाकी अभी तो यार फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इवो वॉल्ट इवेंट के बारे में। हाँ तो भाई सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में ये इवो वॉल्ट इवेंट देखो, ये इवो वॉल्ट इवेंट गरीना ने हमारे गेम की फाइल के अंदर अपडेट के बाद एड किया था। इसलिए गाइस मुझे लगा था कि नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट यही वाला होगा, तो मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू 3-4 बार पहले करवाया भी था। मगर भाई कल हमारे गेम की फाइल के अंदर गरीना ने एक ताजा नया पोस्टर एड करा, जिस पोस्टर को अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। ये है गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का पोस्टर। और इस पोस्टर के अकॉर्डिंग 2 फरवरी के दिन जो हमारा नया इवो वॉल्ट इवेंट आने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को इवो वुडपीकर, इवो M10, इवो UMP और साथ ही साथ इवो AN94 देखने को मिलेगी। हाँ यार जो हमारा कोबरा MP40 का इंतजार था वो इंतजार अभी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट के पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे गेम के अंदर कोबरा MP40 नहीं आने वाला है। मगर गाइस देखो ये पोस्टर दिखाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि गरीना ने अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर एक इवो वॉल्ट इवेंट को ऐड किया था, जहां पर कोबरा MP40 है, इवो वुडपीकर है, देन इवो AK और इवो फेमस भी है। अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे ये इवो वॉल्ट इवेंट भी गाइस हमारे गेम की फाइल के अंदर अवेलेबल है। बट हां नेक्स्ट हमारे गेम के अंदर ये वाला इवो वॉल्ट इवेंट तो नहीं आएगा। तो इसीलिए गाइस देखो जो हमारा नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट आने वाला है उसके बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये कोबरा MP40 वाला इवो वॉल्ट इवेंट देखने को मिलेगा। तो यार अब आप लोगों को कोबरा MP40 रिटर्न के लिए 1-1.5 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर तो कोबरा MP40 आने नहीं वाला है। और कोबरा MP40 आ रहा है नेक्स्ट भी नेक्स्ट वाले इवो वॉल्ट इवेंट में। सच में यार जब मुझे पोस्टर मिला था ना हमारे गेम की फाइल के अंदर नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का, तभी मेरा मूड खराब हो गया था। बट गाइस देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमारे गेम के अंदर आने वाले सारे ही इवेंट्स को गरीना डिसाइड करता है। मुझे तो यार हमारे गेम की फाइल के अंदर से जो भी लीक्स मिलती है मैं आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बता देता हूँ। बाकी अभी तो यार फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में। हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में जो लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट देख पा रहे हो यार, ये डिस्काउंट इवेंट गरीना ने आज हमारे गेम की फाइल के अंदर कंफर्म डेट के साथ ऐड कर रखा है। आप लोग चिंता मत करो, अभी मैं आप लोगों को इसका कंफर्म डेट बता दूंगा। बट उससे पहले आप लोग ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट का रिव्यू देखो भाई, यहाँ पर 3 तो डीनो बंडल अवेलेबल है और ये तीनों ही डीनो बंडल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी फिर तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर डीनो बंडल के साथ साथ पायरेट फ्लैग इमोट भी देखने को मिल रहा है, जो इमोट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कितना रेयर है ये बताने की जरूरत नहीं है। देन फिर तो गाइस देखो हम लोगों को इस इवेंट के अंदर और भी कुछ आइटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर इवो गन्स के टोकन में डिस्काउंट आएगा और भी काफी सारे बंडल इस इवेंट के अंदर होंगे। तो इसीलिए गाइस अगर अभी मैं आप लोगों को लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के रिगार्डिंग अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई मुझे तो ये इवेंट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मैं जानता हूँ जरूर आप लोगों को भी ये इवेंट अभी पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में। जी हाँ तो गाइस देखो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट नेक्स्ट मंथ फरवरी की 22 तारीख के दिन आने वाला है। जी हाँ गाइस ये पूरा 100% कंफर्म डेट है। बाकी फिर तो यार देखो काफी सारे बंदे मुझसे मिस्ट्री शॉप इवेंट का पूछ रहे थे, तो देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अब क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारे गेम के अंदर लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट आ रहा है, तो भाई अभी मिस्ट्री शॉप इवेंट के चांसेस थोड़े से कम हो रहे हैं। बट फिर भी आप लोग चिंता मत करो, मुझे अगर हमारे गेम की फाइल के अंदर मिस्ट्री शॉप इवेंट के रिगार्डिंग कुछ भी लीक्स मिलते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बट अभी हमारे गेम की फाइल के अंदर मिस्ट्री शॉप इवेंट का कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में, जिन कमेंट्स को मैंने कल की वीडियो से पिक कर रखा है। हां तो गाइस देखो यहां पर जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में बंदे ने पूछा है गॉड भाई अपना मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट कंफर्म है क्या 11 फरवरी को, प्लीज रिप्लाई। यार भाई इस बंदे ने कंफर्म डेट लिखी थी, तो मैंने सोचा कि क्या पता सच में इवो वॉल्ट इवेंट आ रहा होगा। तो भाई बस इस बंदे के लिए मैंने हमारे गेम की फाइल के अंदर डाटा माइनिंग करी, बट भाई हमारे गेम की फाइल के अंदर मेल्टिंग वॉल्ट का MB अवेलेबल नहीं है। इसलिए यार जो भी बंदा तुमको बोल रहा है कि 11 तारीख को मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट आएगा, भाई फेक न्यूज है, लिख कर ले लो 11 तारीख को मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट नहीं आ
आने वाला है। बाकी अभी तो यार हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा कमेंट जहाँ पर ये बंदे ने पूछा है 22 फरवरी मंथ में जो मिस्ट्री शॉप आएगा तो फिर क्या रमजान इवेंट में मिस्ट्री शॉप आएगा क्या? अब यार देखो मुझे एग्जैक्ट तो इस बंदे के कमेंट का मतलब नहीं समझ में आया, बट मैं इतना समझ गया कि अगर नेक्स्ट मंथ 22 को मिस्ट्री शॉप आएगा तो क्या रमजान इवेंट में हम लोगों को वापस से मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिलेगा। तो देखो भाई फरवरी में तो हमारे गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप आने ही नहीं वाला है, फरवरी मंथ में हम लोगों को लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा, बाकी फिर हम लोगों को रमजान स्पेशल मार्च मंथ की स्टार्टिंग में वही कुछ 3-4 तारीख के आसपास मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिलेगा। तो ऑलराइट गाइस उम्मीद है अभी आप लोग ये मिस्ट्री शॉप इवेंट के रिगार्डिंग सब कुछ समझ गए होंगे, बाकी आप लोग चिंता मत करो बहुत जल्द मैं मिस्ट्री शॉप इवेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ समझा दूंगा। बट अभी फिलहाल यार अगर हम लोग ये वीडियो को देखें तो भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, इसलिए गाइस अभी हम लोग ये कमेंट के सिलसिले को यहीं पर ही एंड कर दें। आप लोग चिंता मत करो गाइस आज मैं आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स पिक नहीं कर पाया हूं, बट कल मैं आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स पिक करूंगा, इसलिए आप लोग भी आज की वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स कर देना। बाकी अब मैं मिलता हूं यार आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।